इसका मतलब इन्होंने जरूर वो कपड़े सारांश के लिए मंगाए होंगे। हाँ माँ, पर अब तो ये भी कंफर्म हो गया कि सारांश उन्हीं के पास है। बस एक बार अब इस लैपटॉप का पासवर्ड पता चल जाए, उसके बाद एड्रेस भी कंफर्म हो जाएगा। तुम ट्राई करो ना। हाँ कर ही रहा हूँ ना मैं, पर कुछ हो नहीं रहा इधर। बर्थडे ट्राई करता हूँ, पापा का बर्थडे। यस, ओपन हो गया। पापा के इनबॉक्स में कंफर्मेशन मेल आया होगा और इससे डिलीवरी एड्रेस कंफर्म हो जाएगा। होटल कपोला स्टार। ये कैसा होटल है? पता नहीं। और वो भी द्वारका में इतनी दूर? पता नहीं, होगा कोई बी ग्रेड होटल। अगर पापा को किसी ने वहां देख लिया तो शायद कोई पहचान ले और सारांश के साथ देख के उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब क्या करें? करना क्या, होटल चलते हैं और सारांश को वापस लेके आते हैं। मैं जरा इनका नंबर निकालता हूँ, वन सेकेंड। या हाय, आपके होटल में मिस्टर खुराना के नाम से कोई ठहरे होंगे? मिस्टर बलराज खुराना, प्लीज चेक करके बताइए कि अभी हैं या नहीं है। सॉरी सर, बट हम हर किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते। आप एक काम कीजिए, आप मुझे उनका रूम नंबर बताइए, मैं आपका कॉल उनसे कनेक्ट करती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, सो आप मुझे बता सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बेटे हैं तो आपके पास जरूर उनका रूम नंबर होना चाहिए। स्मार्ट मत बनो, मुझे रूम नंबर बता दो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे रूम नंबर थोड़ी ना पता लगेगा, होटल पॉलिसी होती है वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील कर सकते। और ऐसे गुस्सा करोगे तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। अगर उसने जाकर बलराज अंकल को बता दिया तो वो और अलर्ट हो जाएंगे वहां से चले गए तो। बात तो ठीक है बेटा, लेकिन हम करेंगे क्या? हम होटल चले जाते हैं, होटल जाकर देख लेंगे। वहाँ क्या करेंगे? हर एक रूम में जाके नॉक करेंगे कि मिस्टर खुराना बाहर आइए? नहीं, हम लॉबी पर जाकर बैठ जाएंगे, डिलीवरी आएगी तो अंकल का पीछा कर लेंगे। एक्चुअली you're right. सारांश के कपड़ों का पार्सल वहाँ पहुँचेगा और हम डिलीवरी होने से पहले वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है फिर, तुम दोनों आराम करो, मैं जागी हुई हूँ। डिलीवरी तो सुबह होगी, मैं तुम दोनों को जगा दूंगी। हाँ नहीं माँ, आप जाइए आराम कीजिए, आपने सुबह से रेस्ट नहीं किया। लेकिन बेटा नहीं माँ प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, जाके रेस्ट कीजिए, आपका बीपी भी हाई हो जाता है। तुम भी रेस्ट कर लो, सुबह जल्दी निकलते। रुद्राक्ष तुम कहाँ जा रहे हो? अपने रूम में। तुम प्लीज आज यहीं रुक जाओ, वो सारांश के बिना मैं अकेले। ठीक है, तुम रेस्ट कर लो, मैं यहीं हूँ। रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना। महिमा अक्का, सॉरी अक्का, मैंने सारांश का ख्याल नहीं रखा ना, मेरे रहते हुए भी वो आज पता नहीं किस हालत में। सॉरी अक्का, सॉरी, पर मैं वापस लेकर आऊंगी उसे, चाहे जो भी करना पड़े। सारांश को कुछ नहीं होने दूंगी मैं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं सारांश को भाई, चाहे कुछ भी करना पड़े। सॉरी भाई, मैं आपके सारांश का, हमारे सारांश का ख्याल नहीं रख पाया, मेरे होते हुए वो पता नहीं कहाँ कैसे
माफ कर देना भाई। एहसास है मुझको सुन, मैं जो साथ तेरे हूँ फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम सुन। खुशियों का सपना सजाना है, मेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना। सब ठीक हो जाएगा, सो जाओ। दिन वो फार्म हाउस में तुमने जो कुछ भी किया वो कावेरी के मुंह से सच निकलवाने के लिए किया ना, मैं जानती हूँ। और प्रियंका झूठ बोल रही थी ये मुझे पता था, इसीलिए तुम पर विश्वास था मुझे। पक्का? हाँ, मतलब यही वजह है मुझे माफ करने की। एक और वजह है, मैंने तुम्हारी मन्नत सुन ली थी। तुमने जो भगवान जी से मन्नत मांगी थी तुम वो अपने भाई के लिए और सारांश के लिए कभी नहीं तोड़ोगे, इसीलिए तुम पर विश्वास था। पर तुमने तो कहा था कि तुमने मन्नत नहीं सुनी थी। हाँ, अगर मैं तुम्हें उस वक्त बता देती तो तुम ऑकवर्ड नहीं हो जाते? आई मीन ऐसी मन्नत, कभी फ्लर्ट ना करने की, कोई मांगता है वो भी भगवान जी से? मैंने मांगी ना, और देखो पूरी भी हो गई, उसी मन्नत ने बचा लिया मुझे। मंटी। हाँ मंटी बोल। ठीक है हमारे। क्या हुआ? मंटी का फोन था, कुछ मिला है उसको। लेट्स गो। क्या हुआ? अम्मा का मैसेज है, पापा को डिस्चार्ज कर दिया। अभी तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था ना। तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ, अगर मुझे सारांश या पापा के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? लेकिन मैं भी अभी अम्मा को तुम्हारी जरूरत है। तुम सारांश को ढूंढ लोगे ना, उसे कुछ होगा तो नहीं? मैं आई प्रॉमिस, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सारांश को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा प्रॉमिस आपके साथ भी है भाई, जब तक मैं सारांश के पास ना पहुंचूं उसका ख्याल रखना। रुद्र, कुछ पता चला? नहीं माँ, इतनी कोशिश कर ली पता नहीं कहां जाके छुप गए। इतना टाइम बीत गया है, पता नहीं किस हाल में हो वो मेरा बच्चा। माँ मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है, ये सब मेरी गलती है, मुझे उसे इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था। कितना खुश था वो अपने घर में, और मैंने उसको जबरदस्ती यहाँ लाके, मेरी वजह से वो बेचारा। शांत हो जाओ बेटा, इस मुश्किल घड़ी में निशा का अगर कोई साथ दे सकता है तो वो तुम हो, उसकी हिम्मत तू ही बढ़ा सकता है, और ऐसे में तू हिम्मत हार जाएगा तो मैं उसका क्या होगा? मैं क्या करूँ माँ, मैं कहाँ ढूंढू उसको, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मेरे भाई की आंख। भाई? मेरे भाई की तरह नहीं खोना चाहता हूँ मैं उसे। नहीं बेटा, अच्छा अच्छा सोचो। सारांश का कुछ पता चला? नहीं कर। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही है, ट्रस्ट मी, इतने कम वक्त में मैं सारांश के इतने करीब आ गया था कि उसे मिले से मिले बिना ही जाना पड़ रहा है। मन तो करता है मैं अपनी टिकट्स कैंसिल करा दूं, उससे मिल के जा सकता हूं, फिर क्या करूं कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं कि उन्हें मिस नहीं कर सकता। नहीं नहीं अंकल, आई अंडरस्टैंड,
आपका काम भी बहुत जरूरी है और वैसे भी आप ऑलरेडी इतनी हेल्प कर चुके हैं हमारी। तो प्लीज, कुछ नहीं किया मैंने, कहो तो एक और बार कमिश्नर को फोन करूं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, इंस्पेक्टर से बात चल रही है मेरी। और पेशा? वो हॉस्पिटल गए आज, उसके पापा डिस्चार्ज होने वाले, आप उसे एक बार बात कर लीजिए, मैं फोन करता हूँ। प्रीशा का फोन ऑफ कैसे आ सकता है? इट्स ओके, मेरी तरफ से उसे बाय बोल देना। नहीं नहीं, मैं उसकी मदर को फोन करता हूँ। वसु, अरे अप्पा आराम से, आप ठीक हो? हाथ दो। सर पे चोट लगी है, पैर ठीक है, मैं खुद चल के जा सकता हूँ। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? युवराज मदद ही तो कर रहा है। पहले मैं मजबूर था, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। सर टूट गया, पर अकड़ नहीं टूटी इस बुड्ढे की। मजबूर तो मैं हूँ बुड्ढे, मैं, मुझे पीछे और सारांश जो चाहिए, वरना मदद छोड़ तेरा गला दबा देता मैं अभी। सर अभी आप ज्यादा सोचो मत, डॉक्टर ने कहा है ना रेस्ट लेने के लिए, कॉफी बना के लाओ। पानी पिलाओ। सर युवराज कॉफी बनाओ। युवराज बैठो, मैं आप भी रही। हेलो। हाँ जी, आप लोग पहुँच गए? हाँ अंकल, ठीक है ना? वो ठीक है। प्रीशा से बात नहीं हो पा रही है, उसका फोन ऑफ है, प्लीज बात करवा दीजिए। प्रीशा तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब, वो तो हॉस्पिटल गई थी ना पापा को घर ले जाने के लिए। इसका मतलब प्रीशा वहाँ अकेली है? अकेली? कहाँ अकेली है? सारांश को लेने गई थी ना, वो सारांश कहाँ है उस जगह का पता चल गया था, इसलिए वो वही गई है।